हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बेटा होप आप सब सेफ हो घर पे। बेटा आज हम रूलर मार्केटिंग का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइंग मोटिव्स। जो बाइंग मोटिव है, जो हमने किए थे कि प्रोडक्ट बाइंग मोटिव हो सकते हैं, पैट्रोनेज हो सकते हैं, इमोशनल रैशनल हो सकते हैं, हमने टाइप्स की थी, तो उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट है दे आर द इनर फीलिंग्स। जो बाइंग मोटिव्स होते हैं वो पर्सन की इनर फीलिंग्स होती हैं, उसकी बंदे की नॉलेज, एटीट्यूड, इंटेंशन, ठीक है, वो सब चीज़ों को मिला के जो हैं, उनकी फीलिंग्स, इमोशन सबको जोड़ के जो हैं वो क्या बनते हैं, बाइंग मोटिव बनते हैं। तो बाइंग मोटिव्स जो होते हैं दे आर इनर फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन। सेकेंड करेक्टरिस्टिक है दे आर काउंटलेस। जो बाइंग मोटिव्स हैं वो काउंटलेस है। जो हम जानते हैं कि मैन एंड वुमेन आर बंडल ऑफ डिज़ायर्स, बहुत सारी बंदे की इच्छाएं, डिज़ायर्स होती हैं, इसलिए सम ऑफ दीज आर हिडन और कन्वर्ट एंड अनएक्सप्लेनेबल। कुछ ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको नंबर में काउंट नहीं किया जा सकता। बहुत सारे मोटिव हो सकते हैं। थर्ड है दे डिफर इन सिग्निफिकेंस। हर जो मोटिव है उसकी सिग्निफिकेंस बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। ऑल बाइंग मोटिव्स आर ऑफ नॉट इक्वल इम्पॉर्टेंस। देखो, किसी बंदे को साइकोलॉजिकल नीड है तो उसकी वो इम्पॉर्टेंस है, किसी के लिए सेफ्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी लिए सोशल नीड्स हैं, जो फीलिंग है, इमोशंस हैं, बिलोंगिंग है, लव अफेक्शन है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए ईगो नीड्स हैं, जेलसी है, सेल्फ इस्टीम है, प्रेस्टीज है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किसी लिए सेल्फ एक्चुलाइजेशन है। तो अलग अलग मोटिव्स हो सकते हैं और सबकी इम्पॉर्टेंस है जो एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट, दे आर नॉट सेम फॉर ऑल। जो बाइंग मोटिव्स है वो हर बंदे के लिए सेम नहीं हो सकते। मान लो आप प्रेस्टीज की बात कर रहे हो, मान लो आप प्रोडक्ट रिलेटेड उसकी बात कर रहे हो, या इमोशनल की बात कर रहे हो, रैशनल की बात कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर बंदे के लिए सेम इम्पॉर्टेंस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर ए बाइज ए पैकेट ऑफ चिप्स बिकॉज ही इज़ हंग्री। मिस्टर ए ने भी बाई किया सेम प्रोडक्ट, बी ने भी किया। जो ए है उसने इसलिए परचेज किया कि उसको हंग्री था, भूख लगी थी, और बी ने इसलिए परचेज किया कि उसको टेस्टी लगता है, इसलिए परचेज किया। तो इट मीन्स दोनों के बाइंग मोटिव है जो डिफरेंट हो गए। दोनों ने सेम प्रोडक्ट परचेज किया, लेकिन दोनों के बाइंग मोटिव है जो डिफरेंट है। नेक्स्ट, दे डिफर इन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी है कि कितनी है उनकी डिज़ायर, उस पर डिपेंड करता है, उनको ज़रूरत कितनी लगती है उसके हिसाब से। एक बंदा जो है 5 लाख रुपये की इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, और दूसरा जो पर्सन है वो 5,000 रुपये की इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। तो ये इट डिपेंड अपॉन कि कितनी वैल्यू ऑफ मनी उनकी लाइफ में है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसकी इंटेंसिटी में हमेशा क्या होएगा, डिफरेंस होएगा। नेक्स्ट है दे इन्फ्लुएंस टुगेदर। देखो, अब एक कोई भी बाइंग मोटिव है जो बाइंग डिसीजन पे इफेक्ट नहीं डाल सकता, वो कंबाइंड होके डालती हैं। दे इन्फ्लुएंस टुगेदर। तो आपने देखा, हर परचेज में आप देखोगे कुछ रैशनल मोटिव भी हो सकता है, कुछ इमोशनल मोटिव भी हो सकते हैं, तो हर मोटिव में अलग अलग पैट्रोनेज मोटिव भी हो सकते हैं, तो वो सब जुड़े हुए हैं आपस में, आप उनको अलग नहीं कर सकते। एक बंदे को ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ की सिर्फ क्वालिटी पसंद आए, उसकी ड्यूरेबिलिटी पसंद आई, उसका कलर भी पसंद आया, उसका प्राइस पसंद आया, उसके इमोशन जुड़े हैं, तो बहुत सारे रीज़न हैं जो हो सकते हैं, तो इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये थी बेटा आपकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइंग मोटिव। इसके बाद हमारे पास है इम्पॉर्टेंस ऑफ बाइंग मोटिव्स। क्या क्या इम्पॉर्टेंस है, क्यों इम्पॉर्टेंट हैं बाइंग मोटिव्स? तो बाइंग मोटिव है, जब हमने कहा कि इनर फीलिंग्स होती हैं एक बंदे की, तो जब हमने किसी सेल्समैन ने प्रोडक्ट सेल करना है तो उसको उस पर्सन की इनर फीलिंग्स है, मोटिव्स है, पता होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के उस बंदे को बेचा जा सके। तो एक कंपनी, एक बिजनेस को बहुत ज़रूरी है जानना कि बंदे के बाइंग मोटिव या उनकी इनर फीलिंग्स है जो कैसी हैं। तो कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, दे आर द बेसिस इन प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डिवेलपमेंट। जब आपने प्रोडक्ट के बारे में प्लान करना है, उसका डिज़ाइन कैसा हो, उसका जो है फीचर कैसी हो, उसका कलर कैसा हो, उसका साइज़ कैसा हो, तो इट डिपेंड अपॉन द कि जो हमने बाइंग मोटिव स्टडी किए हैं, लोगों की इनर फीलिंग स्टडी किए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट की जो फीचर्स हैं जो डालेंगे। तो हमें ये प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवेलपमेंट में हेल्प करती है।
दूसरा दे आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज, तो जब भी आपने प्राइस डिसाइड करना है किसी प्रोडक्ट का तो उसमें भी बाइंग मोटिव है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर उनके वो प्रोडक्ट कैसा चाहते हैं उसकी फीचर्स तो आपको पता चल गई, पर लेकिन उनकी रेंज क्या है, उनका जो परचेजिंग पावर है कितनी है, लोगों की जो रूरल एरिया की हम बात कर रहे हैं वहाँ के लोगों को कितनी उनकी परचेजिंग पावर है, किस इनकम ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैटर करते हैं। तो प्राइसिंग डिसीजन में भी जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जे सेंसिटिव डिसीजन है, जिसमें ये बाइंग मोटिव्स है जो आपको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपका है बेटा, दे आर हेल्पफुल इन डिज़ाइनिंग प्रमोशनल पॉलिसीज़, तो प्रमोशनल जितनी आपकी पॉलिसीज़ हैं उसमें हेल्प करते हैं। तो प्रमोशनल पॉलिसीज़ में आपका क्या आ गया कि प्रोडक्ट जो है वो लोगों को, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें, उसके लिए आपने उनको इंड्यूस करना है, अट्रैक्ट करना है, उसके लिए आप क्या प्रमोशनल स्कीम्स है जो लगाते हो, दैट इज़ पर्सनल सेलिंग के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, सेल्स प्रमोशन, गिफ्ट्स, डिस्काउंट्स, ऐसा बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू प्रोडक्ट परचेज करने के लिए पर्सन को तैयार किया जाता है। तो कैसी प्रमोशनल स्कीम्स आप दो वो भी डिपेंड करता है उनके बाइंग डिसीजंस पे, या उनकी इनर जो फीलिंग्स है उनसे हमें पता चलता है कि वो लोग कैसा जो है प्रमोशनल टेक्निक्स चाहते हैं। नेक्स्ट वन है, दे आर प्लैंक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को कैसे परचेज करते हैं, कहाँ से परचेज करना पसंद करेंगे, उनको कन्वीनियंट कहाँ से परचेज करना लगता है, क्या स्टोर से परचेज करना, नियर बाई शॉप से परचेज करना, ऑनलाइन परचेज करना, तो इट डिपेंड अपॉन के उनकी इनर फीलिंग्स या बाइंग मोटिव्स क्या हैं, उसके बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है जो डिसाइड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बाइंग मोटिव है जो आपकी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन सारी जगह पे जो है वो रोल प्ले करते हैं, सारा डिपेंड ही मोटिव्स पे करता है कि लोगों के बाइंग मोटिव क्या हैं। तो इसलिए बाइंग मोटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फोर पीज में जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है वो आपने मार्केटिंग में भी कर रखा है, फोर पीज ऑफ जो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, तो उन सब में हेल्प करता है, वहाँ पे रोल प्ले करता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हाउ टू ट्रेस बाइंग मोटिव्स इन रूरल मार्केट। अब हमने कह तो दिया कि बाइंग मोटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रूरल मार्केटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमने कहा फैली हुई है, तो हम उनके बारे में बाइंग मोटिव्स है जो कैसे उनके निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं उनके बारे में। द टफेस्ट जॉब ऑफ ए सेल्समैन इज दैट ऑफ ट्रेसिंग द बाइंग मोटिव्स ऑफ हिज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, जो कस्टमर इन फ्यूचर में उनके कस्टमर बन सकते हैं उनके बाई मोटिव्स को ढूंढ के निकालना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है सेल्समैन के लिए, क्योंकि कस्टमर इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ बाइंग मोटिव, बहुत सारे बाइंग मोटिव हो सकते हैं, हमने पहले ही कहा इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑल द मोटिव्स देयर इन्फ्लुएंस ऑन बाइंग बिहेवियर, तो जो इवन जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो भी फेल हो जाते हैं इनको डिस्कवर करने पे, लेकिन जो एक सेल्समैन है उसने सक्सेस हासिल कर लिया है इसको पता करने में। तो किस तरह से पता कर सकता है, उसके तरीके जो दिए हुए हैं, लैंडिंग ईयर्स एंड ओपनिंग आइज, कहता अगर वो अपने कान उनको दे दे, मतलब उनकी बातों को सुने, एंड ओपनिंग आइज और अपनी आँखें खुली रखे, मतलब वो लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग के थ्रू लिसन करे हर चीज़ को ध्यान से और ऑब्जर्व करे, तो वो बाइंग मोटिव्स हैं जो लोगों के उनके बारे में पता लगा सकता है। सेलमैन इज़ नोन फॉर टॉकिंग एंड टॉकिंग बट हिज एफर्ट्स आर एम्पली रिवार्डेड एज ही स्पीक्स लेस एंड अलाउज अदर्स टू टॉक एंड एक्सपोज टू द बॉटम ऑफ देयर हार्ट्स। तो कहता है कि जो सेल्समैन है उसको कहा जाता है कि वो बातें ही करता रहता है, टॉकिंग 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 उसका काम है, लेकिन अगर एक सेल्समैन अब उनकी बातों को लिसन करे अच्छे से और ऑब्जर्व करे उनके बिहेवियर को, तो वो बहुत अच्छे से उनके मोटिव्स है जो उनको पता लगा सकता है। तो फर्स्ट हो गया लैंडिंग ईयर्स एंड ओपनिंग आईज, सेकंड है तो आप इसको लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग भी कह सकते हो, दूसरा है यूजिंग पास्ट रिकॉर्ड्स एंड एक्सपीरियंस, एक और तरीका क्या है जिसके थ्रू सेल्समैन जो है वो पर्सन के बाइंग मोटिव्स निकाल सकता है, दैट इज़ उसका पास्ट जो रिकॉर्ड्स हैं, एक्सपीरियंस है उस बंदे का, उससे भी कहता है कि जो पर्सन है वो पहले कैसी परचेज करता रहा है, उसके घर में पहले कैसी चीज़ें हैं, उसका पहले का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, जो पास्ट में जो एक्सपीरियंस रहा है उसका प्रोडक्ट के बारे में या डिफरेंट चीज़ों के बारे में, उससे भी उसके बाइंग मोटिव्स के बारे में पता लगाया जा सकता है पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में। नेक्स्ट है यूजिंग फर्म्स एडवर्टाइजिंग, थर्ड है जो कंपनी की एडवर्टाइजिंग है उसको यूज़ करके भी हम कस्टमर्स जो हैं
उनको क्या कर सकते हैं, उनके बाइंग मोटिव पता लगा सकते हैं। देर इज़ नो अदर रिच सोर्स देन एडवर्टाइजिंग फॉर नोइंग अबाउट अपील और यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, अदरवाइज नोन एज USP। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है कि डिफरेंट आप यूनिक क्या दे रहे हो उससे, तो ऐसी आप एक एडवर्टाइजिंग जो अच्छी एडवर्टाइजिंग बना के उनको जो है अट्रैक्ट कर सकते हो, जिससे आप उसको बाइंग मोटिव आपको पता चलेंगे। कहता टैलेंट ट्रेजर एंड टाइम, ईच पीस ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है वो किससे भरे हुए हैं, टैलेंट ट्रेजर एंड टाइम से भरे हुए हैं। क्योंकि कहता जो प्रेजेंट एडवर्टाइजिंग है वो क्या होनी चाहिए, मोस्ट अपीलिंग होनी चाहिए, ताकि जो बाइंग मोटिव्स है कस्टमर्स के वो पता लगा सकें। एडवर्टाइजिंग अपील्स मैच टू द हिडन मोटिव्स ऑफ द कस्टमर्स, जब आप एडवर्टाइजिंग में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हो जो उनके अंदर हैं तो वो अपने आप निकल के आएंगी। इसलिए आप जो है फर्म की एडवर्टाइजिंग के जरिए भी मोटिव्स है जो उनको निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका है डायरेक्ट टॉक्स विद कस्टमर्स। डायरेक्ट टॉक्स विद कस्टमर्स के है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीड टोटली द ह्यूमन माइंड, इट इज़ पॉसिबल टू गेट सम यूजफुल क्लूज और ट्रेसिस फॉर गेटिंग ग्रिप ओवर द हिडन बाइंग मोटिव्स ऑफ द कस्टमर। कहता कि उनके साथ टॉक करके, उनके साथ बात करके, कस्टमर्स के साथ, उनकी बातों में से भी आप जो है उनके बाइंग मोटिव्स के बारे में पता लगा सकते हो। जैसे कि कहता है एक डॉक्टर होता है, तो आप डॉक्टर आपसे बात करता है क्या तकलीफ है कैसे, एक सुने तो आप अपनी बीमारी खुद बताते हो कि हमें हेल्थ प्रॉब्लम है जो क्या आ रही है। तो इस तरीके से बातें करके भी, उनकी बातों में से भी वो बाइंग मोटिव्स पता लगा सकता है। नेक्स्ट आपका है शेयरिंग आइडियाज़ विद कोलीग्स, जो आपके जो सेल्समैन हैं उसके कोलीग्स हैं कंपनी में, उनके साथ बातचीत करके भी वो जो बाइंग मोटिव है, उनके क्लूज है जो ले सकता है। कहता है कि जैसे है जिनके जिन सेल्समैन के साथ, कोलीग्स के साथ उसके साउंड रिलेशंस हैं कोवर्कर के साथ, वो आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, रोज की मीटिंग कर सकते हैं, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, लोगों का क्या सोच है, क्या बोलते हैं उसके बारे में, तो उनमें से भी आप ट्रिकली क्लू है जो ले सकते हो, जिनमें से आप बाइंग मोटिव्स है जो उनके बारे में पता लगा सकते हो। तो ये था बेटा ओवरऑल आपका कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, जब बाइंग बिहेवियर है जो रूरल मार्केट में, वो कैसे रोल प्ले करते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।